Hello guys, in this video we will going to discuss top 50 MCQs of building materials. Okay, so first we will discuss about brick. Okay, then we will complete more questions in subsequent videos. Okay, so let's start. First question is, clay and silt content in a good brick earth must be at least. जो हमारा क्ले और सिल्ट कंटेंट होता है ब्रिक में, सो कितना परसेंट होता है? सो राइट आंसर विल बी 50%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पग मिल इज़ यूज्ड फॉर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ. जो हमारा पग मिल होता है वो मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है. जो हमारा ब्रिक क्ले जो हमने प्रिपेयर करना है उसे हमें मिक्सिंग पग मिल से ही करते हैं. पग मिल में ही टोटल हमारा जो ब्रिक का जो टोटल इंग्रेडिएंट वो मिक्सिंग होता है. सो सही आंसर होगा टेम्परिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्रॉग मीन्स, ब्रिक के जो सतह पर जो डिप्रेशन होता है उसे ही हमें फ्रॉग कहते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए डिप्रेशन ऑन ए फेस ऑफ द ब्रिक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, सिलिका का क्वांटिटी ब्रिक में ज़्यादा होने से क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक. सेकेंड ऑप्शन, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, चेंजेस द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, इम्प्रूव्स द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक. सो ब्रिक का जो सिलिका क्वांटिटी है वो 50% है. हमने अभी क्वेश्चन किया, जब ये क्वांटिटी एक्सीड करेगा तो क्या होगा? ना ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा, मतलब ब्रिक टूट जाएगा और उसका जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इन्ग्रीडियंट्स टू मेक द ब्रिक इज नोन एज. जो हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है वाटर क्ले एंड अदर इन्ग्रीडियंट्स, जो भी सूटेबल इन्ग्रीडियंट होता है, लाइक ब्रिक का सूटेबल इन्ग्रीडियंट कौन कौन सा है? सिलिका, एल्मिना, लाइम, मैग्नीशिया एंड आयरन ऑक्साइड, और यू कैन से ऑक्साइड ऑफ आयरन्स. ओके, तो उसको जो मिक्सिंग करते हैं उस मिक्सिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? नीडिंग बोलते हैं. नीडिंग मीन्स प्रेसिंग द क्ले मटेरियल अंडर द फीट ऑफ मैन और यू कैन से बुल्लॉक. ओके, सो इसको क्या कहते हैं? सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीडिंग. सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स. सो ब्रिक के लिए जो हमारा जो प्रिपेयर्ड क्ले होता है वो कौन सा प्रिफर्ड हो, प्रिफरेबल कौन सा है? सो सही आंसर है इसका वेदर्ड क्ले. ओके, ये क्वेश्चन आया है SSJEE में, ये क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज. जो हमारा ब्रिक वॉल होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है यदि हमारा ब्रिक वॉल का थिकनेस कितना होगा. तो सही आंसर है इसका 10 सेंटीमीटर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ. सो जो ब्रिक वर्क हमारा होता है उसे हमें स्क्वायर मीटर मेजर करते हैं, किस कंडीशन पे मेजर करते हैं. सो फर्स्ट वन हॉनिकम ब्रिक वर्क, सेकेंड वन ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन हाफ ब्रिक वॉल और द पोर पार्टीशन वॉल, फोर्थ ऑप्शन ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ये जो ऊपर जो तीन ऑप्शन दिया है ए बी सी, ये सभी में हमारा ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर में ही मेजर होता है. सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेंड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ब्रिक का जो रेड कलर होता है वो किसके वजह से आता है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रिक का, उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सलीम कहते हैं. जैसे कि एस फॉर सिलिका, ए फॉर एलुमिना, एल फॉर लाइम, आई फॉर ऑक्साइड ऑफ आयरन्स एंड एम फॉर मैग्नीशिया. सो इन पांचों इंग्रेडिएंट में कौन सा इंग्रेडिएंट ब्रिक को रेड कलर प्रोवाइड करता है. सो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड. सो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ब्रिक इज कट इन टू टू इक्वल हाल्व्स लॉन्गिट्यूडिनली वन पार्ट इज कॉल्ड. हमें जो ब्रिक को लॉन्गिट्यूडिनली काटते हैं, सो जो दो पार्ट फॉर्मेशन होता है सो उसे क्या कहते हैं. हमारा जो ब्रिक ऐसे होता है, सपोज ये हमारा ब्रिक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये होता है, इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये होता है. सो ब्रिक को हम जब लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं इस डायरेक्शन में, सो ये दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड होता है. सो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, क्विन क्लोजर. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट द ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द वेथ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड. तो ब्रिक को हम ऐसे जब काटते हैं, सपोज ये हमारा ब्रिक है, इनिशियली ऐसे दिखता है ब्रिक रेक्टेंगुलर. ओके, सो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया. सो कहने का मतलब क्या है ना, जब ब्रिक को हम ऐसे काटते हैं, ये टॉप वाला पोर्शन ये बीच में, ये बीच से ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ये आधा पूरा एकदम इस डायरेक्शन पे हम जॉइन कर देंगे और इस ट्रायंगुलर पोर्शन को निकाल देंगे. सो जो पोर्शन बचा है उसको क्या बोलेंगे. सो दिस इज नोन एज योर किंग क्लोजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एक्सेस ऑफ एलुमिना, फर्स्ट ऑप्शन है, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक. सेकंड ऑप्शन, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग. थर्ड ऑप्शन है, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले लीव्स हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक. फोर्थ ऑप्शन है, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग. एलुमिना का कंटेंट ज़्यादा होने से ब्रिक क्रैक हो जाता है, ब्रिक में क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन, ए ब्रिक मशीनरी कुड फेल ड्यू टू. जो हमारा ब्रिक मशीनरी होता है वो फेल कब होता है, फेलियर उनमें कब दिखाई पड़ता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रप्चर अलोंग ए वर्टिकल जॉइंट इन पोअरली बॉन्डेड वॉल्स. सो हमारा जो ब्रिक का जो जॉइंट होता है, वर्टिकल जॉइंट,
जो पोअरली बॉन्डेड वॉल्स के लिए, मतलब जो उनमें बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं होते किसी कारण से, सो उसमें क्या होता है ना, फेलियर शो होता है, फेलियर दिखता है, क्रैक फॉर्मेशन होता है. ओके, सेकंड ऑप्शन है सीयरिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, ब्रिक का जो लेयर है हॉरिजॉन्टल लेयर, जैसे कि वॉल प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ तो क्या होता है, शेयर हो जाता है. ओके, सो दैट विल ऑल्सो ए फेलियर विच इज़ नॉन एज योर सीयरिंग फेलियर. एंड थर्ड ऑप्शन इज क्रॉसिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, मतलब ब्रिक के जो वॉल के ऊपर लोड ज़्यादा होने से क्या होता है, क्रश हो जाता है, और यू कैन से फेल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग. सो इनमें से किसी कारण की वजह से भी ब्रिक फेल हो सकता है, ब्रिक मशीनरी. सो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, एनी ऑफ दिस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज. इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा है उस हिसाब से स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है ब्रिक का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19x9x9 सेंटीमीटर. ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है. अगर हम नॉमिनल साइज़ की बात करते हैं तो नॉमिनल साइज़ क्या हो जाएगा, 20x10x10 सेंटीमीटर. यदि हम mm में कन्वर्ट करते हैं सो ये हो जाएगा 200 mm × 100 mm × 100 mm. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज. 1 m³ में कितना ब्रिक लगता है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500. 1 m³ में 500 क्यूब लगता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज. तो जो ब्रिक जब मतलब हीट कंडीशन में हो उसमें अगर पानी डाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर, तो क्या होगा, तो चॉप्स विल बी फॉर्म. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ए. ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ. होलो ब्रिक किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट. हीट इंसुलेशन के लिए यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉयल इज कॉल्ड. जो हमारा फाउंडेशन फुटिंग होता है, जो फुटिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पहले एक लेयर देते हैं ब्रिक का, उसे हम ब्रिक सॉयलिंग कहते हैं. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड. ब्रिक के फेस पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख सकते हैं, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, सो इसे क्या कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो इट इज़ नोन एज योर फ्रॉग. जो डिप्रेशन हमारा ब्रिक के ऊपर दिया जाता है वो फ्रॉग कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मशीनरी. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी,
19 cm × 9 cm × 9 cm or you can say 190 mm × 90 mm × 90 mm. Okay, so next question. The number of standard bricks in 1 cubic meter of brick masonry is, ये भी question repeated है. Okay, ये question exam में बार बार पूछा गया है. Okay, so सही answer इसका क्या हो जाएगा, 500. Okay, next question. The compressive strength of common building brick should not be less than, हमारा जो brick होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए, किस वैल्यू से. जनरली हम ब्रिक का क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, फोर टाइप्स, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक. सो बेसिकली जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है बहुत ही अपग्रेड क्वालिटी का होता है और सुपरियर वर्क में यूज़ होता है, जैसे कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, डैम वगैरह हो या बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे क्वालिटी इज मेजर फैक्ट, वहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ होता है. और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा किससे ज़्यादा होता है और इक्वल होता है इससे, 10.5 newton per mm square. वो हमारा जो सेकेंड क्लास ब्रिक होता है उसका स्ट्रेंथ होता है 7.5 newton per mm square और थर्ड क्लास ब्रिक का 5.5 newton per mm square. सो हमारा जो फोर्थ क्लास ब्रिक है उसका क्या होता है, उसका होता है 3.5 newton per mm square. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मतलब हमारा जो ब्रिक होता है उसका स्ट्रेंथ 3.5 newton per mm square से कम होना नहीं चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास वन ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड डेज ऑफ सेल्फ वेट. जो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उन्हें हम टेस्ट कैसे करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट एक फील्ड टेस्ट होता है जिसमें कि हम ब्रिक को 24 आवर्स तक वाटर में इमर्ज करके रखते हैं, उसके बाद उसको वाटर से निकाल के उसका वेट किया जाता है और जो ब्रिक का वेट होगा, जो वाटर में 24 आवर्स रहने के बाद जो ब्रिक का वेट होगा वो 20% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. In case of first class brick, the weight should not be more than 20% of its dry weight, or you can say self weight, after immersion of the brick 24 hours in water. Okay, so जो first class brick होता है उसका weight 20% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. Okay, similarly यहाँ पे और दो option है उसको discuss कर लेते हैं. ये जो हमारा 22% होता है ये सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए होता है और ये हमारा जो 25% होता है ये हमारा थर्ड क्लास ब्रिक के लिए होता है. ओके, सो इसी क्वेश्चन में हम तीन क्वेश्चन हो गया है हमारा. ओके, सो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ना ऑप्शन सी, 20%. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्ट्रेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो किस कोड के बेस के आधार पर है, विच इज बेस्ड ऑन विच कोड. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IS 3102. ओके, सो यहाँ पे और तीन कोड दिए गए हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसको. सो जो ऑप्शन ए है हमारा वो क्या है, IS 3101, जो कि डिफाइन करता है एल्युमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब्स.
सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो लिखा है IS 3495, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट IS कोड है। वो डिफाइन करता है हमारा मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ बंट क्ले ब्रिक्स। ओके, जो ब्रिक का हमारा जो टेस्टिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग, वो इसी कोड में दिया गया है। और जो हमारा डी ऑप्शन है IS 3496, ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ टॉबी लैग्स एंड पैक्स। सो इसका स्पेसिफिकेशन इस कोड में गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इज इन सूटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय। सो जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस कॉन्स्टिट्यूएंट और किस इंग्रेडिएंट ब्रिक को प्रोवाइड करता है। ब्रिक में जो पांच इंग्रेडिएंट होता है हमारा, सिलिका, एलुमिना, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशिया, तो कौन सा इंग्रेडिएंट ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलुमिना। ओके, सो एलुमिना ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सो दैट ब्रिक कैन बी इजिली मोल्डेड। हम ब्रिक को किसी भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्ले फॉर्म में होता है तो हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द मेन पर्पज ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज टू प्रोवाइड शेप। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर एलुमिना हो जाएगा। सो हमारा जो लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया होता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइम क्या करता है हमारा, प्रिवेंट श्रिंकेज, ब्रिक को श्रिंक नहीं होने देता। अगर श्रिंकेज होगा तो क्या होगा ना, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट लॉस हो जाएगा और ब्रिक में क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा। सो लाइम इसको प्रिवेंट करता है और फ्यूजिंग के लिए भी हेल्प करता है। जो मटेरियल जो फ्यूज होता है उसे हम हाई टेम्परेचर, तो उसमें हेल्प करता है। सो नेक्स्ट, जो हमारा मैग्नीशिया है ये येलो टिंट प्रोवाइड करता है ब्रिक को। ब्रिक में जो येलो टाइप का ग्लो आता है इसको बोलते हैं येलो टिंट, ये मैग्नीशिया की वजह से ही आता है। ओके, नेक्स्ट सिलिका, सिलिका ब्रिक को सेप, ब्रिक का जो सेप होता है उसको रिटेन करने में मदद करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ अर्थ हैविंग। जो हमारा क्ले ब्रिक होता है, ओके, सो जो क्ले ब्रिक होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो सिलिका हमारा लिखा गया है यहाँ पे, सो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 35-70% सिलिका, 50-60% जनरली लिया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमें ऑप्शन सी को चूज़ करना पड़ेगा। और हमारा जो एलुमिना है वो 20-30% होता है, सो यहाँ पे गिवन है 10-20%। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है 10-20% सिलिका, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रिक में 50% सिलिका होता है, सो ये ऑप्शन वैलिड नहीं होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सो चलिए डिस्कस करते हैं। द वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। ओके, सो वाटर अब्जॉर्प्शन
कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुड ब्रिक। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ओके, ये गुड ब्रिक के लिए 15% होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 22% होता है, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू, जो हमारा किंग क्लोजर होता है वो इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? सो आपको पता होगा, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू व्हाट? ब्रिक मैशनरी। ओके, नेक्स्ट, द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स आर, तो मॉडुलर ब्रिक्स का साइज क्या है? जनरली हमारा स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, वो हमारा स्टैंडर्ड साइज है। जब भी हम बात करते हैं मॉडुलर साइज, दैट मीन्स नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या है? जब ब्रिक में हम मोर्टार थिकनेस ऐड कर लेते हैं, मोर्टार थिकनेस को ऐड करके जो हम साइज़ लेते हैं उसे हम नॉमिनल साइज़ बोलते हैं। और इसको और एक भी टर्म में क्वाइन किया जाता है, वही मॉडुलर साइज़। ओके, सो बेसिकली इसका साइज़ क्या होगा हमारा, मॉडुलर साइज़ और यू कैन से नॉमिनल साइज़, तो ये होगा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। अगर हम mm में लेते हैं तो 200 × 100 × 100 mm। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। सो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, ये SSJEE 2009 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, किन से कम नहीं होना चाहिए? हमने पहले डिस्कस किया था, वो वैल्यू क्या था, 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसको हम जब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे 105 ऑप्शन नहीं है, सो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि है 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक इज, अभी देखिए स्टैंडर्ड साइज पूछा है तो ये आपको पता होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले एंड सील्ड कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। ओके, सो हमारा जो क्ले और सील्ड कंटेंट होता है वो ब्रिक में कितना परसेंटेज होता है टोटल इंग्रेडिएंट का? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, 50%, वे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कितना होगा, 50%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम इज मिक्स्ड विथ ब्रिक अर्थ टू, लाइम ब्रिक अर्थ में क्यों इंक्लूडेड किया गया है लाइम इंग्रेडिएंट को? सो बेसिकली आई हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर, अभी मैंने डिस्कस किया था। सो क्या करता है, मेनली प्रिवेंट श्रिंकेज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो इसका क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इसका हम जब कन्वर्ट करेंगे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसका आंसर क्या आएगा, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ व्हिच एनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप. ओके, जो हमारा ब्रिक अर्थ का कौन सा इंग्रेडिएंट जो कि शेप को रिटर्न करने में मदद करता है. सो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस कर लिया है. सो शेप रिटर्न करने में शेप जो होता है ब्रिक को रिटर्न करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट हेल्पफुल होता है, वो होता है सिलिका. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन. जो हमारा सिलिका का परसेंटेज होता है वो कितना परसेंटेज होता है ब्रिक में, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो कितना होता है, 50 to 60%, ऑलमोस्ट 50% होता है हमारा सिलिका. ओके, एंड क्ले जो पार्टिकल होता है, क्ले कंटेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ एल्युमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन. जो हमारा एल्युमिनियम कंटेंट होता है ब्रिक में, तो उसका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज रहता है ब्रिक में. सो व्हाट विल द परसेंटेज, यू ऑलरेडी नो इट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज 20 to 30%. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू. सो जो हमारा सेकेंड क्लास ब्रिक होता है वो 24 आवर्स के जो रहता है, 24 आवर्स के बाद ब्रिक जो रहता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, वो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, यह हमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 22% तो नहीं दिया है, 24 दिया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है. ओके, इसका आंसर क्या होगा, 24. नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच ब्रिक्स आर बर्नड वेरीज फ्रॉम. तो हमारा जो ब्रिक होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली 900 degrees है. ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200. ओके, सो 1200 हमें देखना है किस रेंज में आएगा. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 400 to 700 degrees centigrade, सेकंड ऑप्शन है हमारा 700 degrees to 1000 degrees centigrade, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1000 degrees to 1200 degrees centigrade, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 1200 degrees to 1500. ओके, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज. जो हमारा ब्रिक मोल्ड होता है तो उसका जो इंटरनल साइज होता है वो हमारा जो ब्रिक के साइज से बड़ा होता है या छोटा होता है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लार्जर देन द साइज ऑफ ए फुल्ली बर्न ब्रिक. सो ब्रिक साइज से जो ब्रिक जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड ब्रिक होता है उसके साइज से थोड़ा बड़ा होता है. सो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ क्लैंप
burning as compared to kiln burning? तो क्लैम बर्निंग का एडवांटेजेस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू किल्न बर्निंग? सो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेस इनिशियल कॉस्ट। हमारा जो ब्रिक बर्निंग होता है सो टू प्रोसेस में होता है, वन क्लैम बर्निंग प्रोसेस में एक होता है और एक किल्न बर्निंग में होता है। सो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है जो हमारा प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए क्लैम में बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू किल में, ओके क्योंकि क्लैम जो होता है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और जो किल्न होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से क्लैम बर्निंग में लेस इनिशियल कॉस्ट लगता है, ओके सो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस आर? जो हमारा फर्नेसेस होता है यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का एक्सट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे किस टाइप का ब्रिक का लाइनिंग दिया जाता है? जनरली लाइनिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रिवेंट इरोजन, ओके किसी भी सब्सटेंस से हमें जो हमारा इंटरनल वॉल होता है उसको बचाने के लिए हमें एक कोटिंग देना पड़ता है जिसे हम लाइनिंग भी कहते हैं, ओके सो जो हमारा जो फर्नेसेस वगैरह में कौन सा लाइनिंग यूज़ होता है? ब्रिक लाइनिंग यूज़ होता है, ओके सो उस लाइनिंग में कौन सा टाइप का ब्रिक यूज़ होता है? तो वो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ओके सो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ए ब्रिक इज? ब्रिक को जब हम अगर वेट करते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है? बेसिकली ये 3.5 से 4 के बीच में वेरी करता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जो कि 3.2 केजी है। अप्रोक्सीमेटली एक ब्रिक का वेट 3.5 केजी तक होता है, ओके सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक इज नोन एज? जो ब्रिक का स्वेलिंग हो जाता है, ओके सो स्वेलिंग जो होता है वो क्यों होता है? डिफरेंट डिफरेंट जो अल्कलीज होता है, कार्बोनेस मटेरियल होता है, इसी वजह से हो जाता है। इसका परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे होने से एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये होता है। तो ब्लोटिंग होने से क्या होता है ना, स्वेल हो जाता है ब्रिक का जो पोर्शन, कुछ कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ओके सो पैचेस थोड़ा फॉर्मेशन हो जाएगा, वाइट वाइट पैचेस फॉर्मेशन हो जाएगा और थोड़ा ब्रिक स्वेल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लोटिंग बोलते हैं, ओके सो इससे क्या होता है ना, ब्रिक का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, ओके सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू, ब्रिक में जो ब्लोटिंग होता है वो किस किस कारण के वजह से होता है? जो मैंने बताया अभी, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बनेस मटेरियल, ओके कार्बनेस मटेरियल ज़्यादा होने से। प्रेजेंस ऑफ एनी गैस फॉर्म मटेरियल इन क्ले, मटेरियल जो हमारा जो मटेरियल हम लिए हैं इनिशियल उसमें थोड़ा कोई गैस वगैरह फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ब्लोटिंग होगा। नेक्स्ट, बेड बर्निंग और रैपिड फायरिंग, हमारा जो क्लीन होता है और क्लैम्प होता है हमें जो आग की जो प्रॉब्लम, हम क्लीन और क्लैम्प को फायर करते हैं जिससे कि ब्रिक बर्न हो सके, सो उसमें यदि प्रॉब्लम हुआ तो ये ब्लोटिंग का चांसेस है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 1077/1970 द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक शुड बी? जो हमारा ऑर्डिनरी ब्रिक होता है
अकॉर्डिंग टू IS 1077-1970, तो वो साइज़ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन IS में रिपीट हुआ है, 2012 में भी आया है और भी बहुत सारे ईयर में आया है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल नोज ब्रिक्स आर नॉट यूज्ड इन, जो हमारा बुल नोज ब्रिक होता है वो कहाँ पे यूज़ नहीं होता है? सो बुल नोज ब्रिक होता कैसे है? सपोज़ ये हमारा ब्रिक है, ब्रिक का एक पोर्शन क्या होता है, ऐसे होता है, कर्व टाइप होता है, तो इसको बोलते हैं हम बुल नोज ब्रिक। ओके, सो बेसिकली बुल नोज ब्रिक को ऑर्नामेंटल डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये आर्चेस में यूज़ नहीं किया जाता, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स आर बर्नड एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो हमारा ब्रिक होता है, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड हुआ है, देख सकते हैं ईएस में आया है क्वेश्चन। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस वीडियो में, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, सो सब्सिक्वेंट MCQs वी विल कवर्ड थ्रू सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई विल अपलोड ए न्यू वीडियो रिगार्डिंग दिस MCQ सीरीज। ओके, थैंक यू।